असलम एवरी वन इन दिस वीडियो वे गोइंग टू डू हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ठीक है सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे ठीक है डेफिनेशन में ना हमारे पास uh, चार चीज़ें ठीक है सबसे पहले क्या है बेसिकली आपने याद रखना है डेफिनेशन में सी पैट ठीक है वेट अच्छा सी पैट याद रखना है ठीक है अब सी पैट क्या है इट इज़ अ मैकेज़म ऑफ कलेक्शन ठीक है कलेक्शन प्रोसेसिंग

बेसिकली हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ठीक है कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए रेलिवेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए? Uh, uh, इसके अलावा एडिक्वेट होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट एट ऑल लेवल ठीक है क्या है इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है ठीक है रीजनेबल uh, रेलिवेंट रिलाईबल एडिकुएट टाइमली ठीक है फॉर मैनेजमेंट एट ऑल लेवल ठीक है इसके बाद हमने प्लानिंग करनी है ऐसा प्लान बनाना है ताकि हम पेडिक इंटरवल डेटा प्रोवाइड कर सकें ठीक है पेर्डिक इंटरवल लाइक टाइम टू टाइम हम डेटा प्रोवाइड कर सकें ठीक है थीके? तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये हमारी हेल्थ सर्विसेज की जो वो है ना परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमें बताएगा प्लानिंग में ठीक है अच्छा फिर थर्ड हमारे पास है कि जो भी रिसर्च होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है हमने ठीक है सही है तीन चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव में बता दी हैं पहले हमने मैनेजमेंट करनी है प्लानिंग है और हमारे पास थर्ड चीज़ है डिजीज़ और हेल्थ रिसर्च ठीक है अब आते हैं पाकिस्तान में ये हेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ये फेल क्यों हुआ है देखो सबसे पहले पाकिस्तान में uh, जो है डेमोग्राफिक जो डेटा था वो स्टेटिस्टिक थे वो नहीं मतलब बहुत मतलब प्रॉपर नहीं है ठीक है अच्छा फिर दूसरी बात फंड्स भी नहीं है बहुत कम फंड्स हैं ठीक है थीके? हेल्थ के लिए तीसरी बात टेक्निकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है ठीक है अच्छा फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजीज़ भी नहीं है ठीक है रिकॉर्ड ऑफ डिज़ीज़ भी नहीं है और नोटिफिकेशन ऑफ द डिज़ीज़ भी नहीं है इसी वजह से एच जो है वो फेल हो गया पाकिस्तान में ठीक है अच्छा अब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कहाँ कैसे करनी है देखो ये इसी सीक्वेंस में याद करना देखो है तो ये अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है लेकिन जो मैं सीक्वेंस बताऊँगा इसी में याद करेंगे आपको तो अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है देखो सबसे पहले हम किसी इलाके में जाते हैं तो हम सर्वे करते हैं ठीक है अब सर्वे दो टाइप्स के हो सकते हैं एक हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है और एक हमारे पास क्वान्टिफाइबल uh, सर्वे हो सकता है ठीक है अब सर्वे करने के बाद ये मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूँ वरना तो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये ठीक है थीके? सर्वे हो गया सर्वे के बाद आपने वहाँ से सेंसेस कलेक्ट कर लेने ठीक है इलाके में जाके फिर इसके बाद इन्वामेंटल हेल्थ डेटा आपको मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आपने क्या करना है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम uh, बनाने है ठीक है अब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बन गया तो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स करना है उसमें ठीक है फिर आपने क्या करना है आपने हॉस्पिटल uh, रजिस्टर में देखना है ठीक है इसके अलावा आपने जो है वो रिकॉर्ड uh, में देखना है ठीक है डिजीज़ का जो रिकॉर्ड होगा इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो ठीक है अच्छा इसके अलावा अदर हेल्थ सर्विसेज से भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो ठीक है इसके अलावा हमारे पास होता है रिकॉर्ड लिंकेज ठीक है उससे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो ठीक है अच्छा फिर है हेल्थ मैन पावर और फिर लास्ट हमारे पास है सर्वेलेंस सर्वेलेंस के जरिए भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हेल्थ सिस्टम की ठीक है अच्छा अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एच एम हम, आई एस ठीक है अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं देखो सबसे पहले प्रिंसिपल में पहला पॉइंट आ जाएगा आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ठीक है सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव वाले हेडिंग में आपने क्या लिखना है देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ठीक है थीके? जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव पता लग जाएँ तो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने ऐसे असम्बल एसे करना है कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर लो ठीक है ये हो गया फिर इसके बाद आते हैं यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ठीक है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपकी जो भी आपकी रिसोर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाओ ठीक है यूटिलिटेरियन अप्रोच ये होती है ठीक है कि मतलब आपकी जो भी करंट अप्रोचेज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम बेनिफिशंस फॉर मैक्सिमम पीपल ठीक है फिर आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच जो भी इंफॉमेसन आती है ठीक है अच्छी इन्फॉर्मेशन है या बुरी इन्फॉर्मेशन है हेल्थ की रिलेटेड तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी हेल्थ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है और इन सब को आपने इंक्लूड करना है ठीक है सही है तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट अप्रोच अच्छा अब हम आते हैं यूज़ेस ऑफ एच आई एम एस ठीक है अब यूज़ेस क्या होते हैं सबसे पहले ये जो हेल्थ मॉनिटरिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है इसका मेन काम क्या होता है ना कि ये मॉनिटर करता है हेल्थ के स्टेटस को ठीक है अब हेल्थ के स्टेटस को मॉनिटर करता है और एज़ वेल एज ये मॉनिटर करता है इन्वामेंटल uh, या ऑक्यूपेशनल जो रिस्पेक्टर्स हैं उनको ये मॉनिटर करता है ठीक है कि कौन कौन से रिस्पेक्टर्स हैं ठीक है फिर इसके बाद ये हमें बताता है कि जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम था वो कितना एफिशिएंट है और कितनी ज़्यादा जगह उसने कवर कर ली है ठीक है अब उसने एफिशिएंटली ज़्यादा जगह तो कवर कर ली है लेकिन अब ये हमें ये बताता है कि वो अफेक्टिव हेल्थ प्रोग्राम अफेक्टिव है कि नहीं है ठीक है फिर उसके बाद कितनी रिसोर्स जो हैं वो हेल्थ प्रोग्राम ने यूज़ किए हैं इसके बारे में भी हमें ये बताता है ठीक है इसके बाद ये हमें बताता है कि प्रोग्राम में क्या चेंजेस होने चाहिए फर्दर ठीक है नीड चेंजेस इन प्रोग्राम इसके बारे में बताते हैं कि क्या फर्दर चेंजेस होनी चाहिए प्रोग्राम में ठीक है फिर इसके बाद अनमेट हेल्थ नीड्स जो नीड्स uh, uh, किसी भी uh, uh, इलाके में लोगों की हेल्थ से रिलेटेड अचीव नहीं हुई तो उनको भी अचीव करने में हेल्प कराता है मतलब उनके बारे में भी हमें पता लगता है कि कौन सी जो नीड्स uh, हैं वो अभी तक अचीव नहीं हुई ठीक है पर ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज होता है ऑफ द हेल्थ सर्विसेज ठीक है अच्छा सही है ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए जस्ट वॉच द वीडियो कपल ऑफ टाइम एंड कैन बी रियली इजी फॉर यू गैस थैंक यू जवाकल्ला